हमें चैप्टर के शुरुआत में दिखाया जाता है मिसुहारा जो रहती है वो काजुए के बारे में सोच रही होती, जो भी अभी बात कर रहे थे जब वो डेट के लिए पूछा था, अभी जो कुछ हुआ उस चीज के बारे में, फिर अपने दादा दादी की फोटो के सामने खड़े होकर के कहती है, सच में आखिर ये इम्पोर्टेंट दिन के समय ही बारिश क्यों होती है। फिर हमें काजू को दिखाया जाता है, वो अपना वापिस जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको कंप्लीट करता है डेट वगैरह के बारे में कि कहाँ पास से जाना है, कब खाना है, ये सब चीज। और मिसुहारा को याद करते करते वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था उस समय जब वो मिसुहारा के साथ था वो मतलब एक हेवन था, हेवन कुछ पल ही सही लेकिन वो जन्नत से कम नहीं था। यही सब सोच रहा होता है, यही सब सोचते सोचते उसको कैदी नंबर 202 की बात भी याद आ जाती है। वो कहती है कि तुमने उससे डेट के लिए पूछ के उसको इम्प्रेस कर दिया था, तुम्हारको स्कोर तो मिला ही होगा इसके उसमें। यही सब चीज सोचता है काजू, कहता है ये इम्पॉसिबल है कि मिसुहारा मेरे से मेरे प्यार में पड़ जाए, वो भी इतनी सी बात के लिए। हाँ मुझे पता है, मैंने एज अ मैन उसको डेट के लिए पूछा, इससे काफी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं, मिसुहारा भी हुई होगी, पर लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो मुझसे प्यार करने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं उससे कर लूंगा, मैं उससे पूछूंगा सच में। यही सब काजू सोच रहा होता है अपने प्लान के बारे में, यही सब। फिर वैसे ही अपना शकल देख लेता है और कहता है, अबे यार मेरे जैसे चूतिया इंसान आखिर मिसुहारा क्यों ही पसंद करेगी, मैं एकदम एल जैसे दिखता हूँ। हाँ यही सब काजू खुद से कह रहा होता है, क्योंकि वो एकदम ही दिखता ही वैसा है, इसलिए उसका जो इम्प्रेशन होता है वो गिर जाता है, गिर जाएगा, या फिर कोई उसको पसंद नहीं करेगा, मिजवारा उसको पसंद नहीं करेगी, यही सब सोच रहा होता है, इसलिए काफी लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर से अपने आप से कहता है, अबे यार नहीं मेरे को खुद से कोशिश करनी चाहिए। यही सब अपने ड्रेस के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसको शॉपिंग भी करना था, और फिर वो सोचता है कि मुझे जॉय पुलिस जाना चाहिए, वहां पर कपड़ा वपड़ा मिल जाएगा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, ये सब चीज के बारे में कह रहा होता है। मिजवारा को याद करते करते मैं एज अ मैन मिजवारा को प्रपोज करूंगा, ये सब यही सोचते सोचते मिनी चैन को कॉल करता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी जयपुलिस में, वहां पर थोड़ा बहुत नॉर्मल जो भी कपड़े वपड़े खरीदने हैं वो सब करेंगे। और यही सब बताता है कि मतलब कि थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह भी करना रहता है ना काजू को, तो वो थोड़ा चिल्ला देती उसके ऊपर, लेकिन वो कहती है कि चलो ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ वहां पास जहाँ जा रहे हो, मतलब शाम को मिलूंगे, ऐसे कह के भूल करके अपना काट देती है कॉल। फिर उसके बाद काजू कहता है, अबे यार मेरे को अभी जाना चाहिए, जा करके थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी देख लूंगा। हाँ फिर उसके बाद काजू अपना तैयार होकर के बाहर निकलते हुए कहता है, अबे यार मेरा जूता ये भी फट चुका है, अब मैं क्या करूँ, मेरे को अपने लिए सामान भी लेना है और फिर और भी काफी कुछ। यही सब सोचते हुए वो बाहर निकलता है और फिर उसके बाद उसे मिसुहारा दिखती है, जो कि कहती है मैं तुम्हारे कितने समय से इंतजार कर रही हूँ, चलो चलते हैं आखिरकार। फिर काजू का चेहरा लाल हो जाता है, वो कहता है, अबे यार वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है यार, एकदम मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, अब मैं करूँ भी तो करूँ क्या, मुझे कुछ सच में किसी की मदद चाहिए, कुछ भी हो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ये सब हटाओ चलो कपड़े लेने चलते। फिर हमें मिसुहारा को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ी रहती है, उसको कुछ चीज दिखता है पोस्टर जिसपे विस्पा के बारे में रहता है, जहाँ मसाज वगैरह करवाया जाता है। और फिर काजोयो को याद करती है, जब वो काजोयो मिसुहारा से पूछा था डेट के लिए, उसी सब को याद करते हुए उसका चेहरा थोड़ा से लाल हो जाता है। फिर वो अपना मसाज के लिए चली जाती है, उसी के बारे में सोचते सोचते अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चलिए इतना ही, ओके सी यू लेटर।